इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के अलीगंज पांडे टोला में। यहाँ पर 4 महीने से पानी का ट्यूबवेल खराब होने के कारण 100 घर की आबादी पानी के लिए तरस रही है। जहाँ तक नगर निगम, जल कल सब जगह के ये लोग काट रहे हैं चक्कर और एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन मिलने के बाद अब जलकल के द्वारा पानी के टैंकर भिजवाया जा रहा है, जिससे कि उनकी पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ टैंकर से पानी भर भर के घरों तक ले जाने में हम लोगों की तबीयतें खराब हो रही हैं। पानी की समस्या यहाँ 4 महीने से, और पानी से सारे बच्चे बीमार हैं। वहाँ नल का पानी भरते भरते बीमार हो गया। बताइए, भारी भारी बाल्टी वहाँ से उठा के लाना, ये हमारा घर तो आप देख ही रहे हैं, ये जीने चढ़ाना कितनी दिक्कत की बात है। आप बताइए, पानी तो आ जाता है मगर पानी ये पीने वाला क्या है? उसमें तमाम पैप पड़ जाते, ये पीने वाला पानी है, मगर जब पानी कहीं नहीं मिलेगा तो वो पीना पड़ेगा। अब वो चाहे बीमार हो चाहे इंसान मरे। पानी की समस्या कितनी ज्यादा हो रही है यहाँ? 4 महीने से तो बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, कैसे आप लोग मतलब पानी वानी कैसे पीने का और खाने का कैसे क्या करती हैं? कहीं ना कहीं से मैनेज किया जाता है इंसान, नहीं तो फिर बोतल का जो वाला पानी आता है उसको लिया जाता है आरओ वाला। अच्छा। अब इतना इंसान के पास तो पैसा है नहीं कि हर बार जो है खरीदे उसको पानी को बोतल, क्या करे इंसान, कहाँ से लाए? पानी साफ ना मिलने के कारण, पानी शुद्ध पीने को नहीं मिल रहा, बच्चे परेशान हो रहे हैं। जितने हम लोग ड्यूटी जाने का इंतजार करते पानी मिले तब आगे काम हो, बच्चे स्कूल जाए, हम लोग ड्यूटी जाए, नहाने धोने की दिक्कत हो रही, पानी पीने की दिक्कत हो रही, घर हम लोग चले जाते हैं, ये है मेरी वालदा खड़े, इनको पानी पीने की दिक्कत हो रही, पानी भरने में दिक्कत होती है, भरते भरते ये हाल हो जाता है, इनको डायरिया हो गया, इनको हॉस्पिटल रात में आधी आधी रात हॉस्पिटल में ले गए दो दो बार। अब इतनी समस्या हम लोग कहाँ तक झेले, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ट्यूबवेल खराब हो गया जब से बनने के वो नहीं आ रही। अच्छा। कितनी कोशिश की गई है, पानी किस पोजीशन से हम लोगों को मिल रहा है, वो भी पीने का नहीं मिल पा रहा, बस नहा लीजिए, कपड़ा धो लीजिए। अच्छा, तो पीने का पानी यानी की व्यवस्था कहाँ से फिर करते हैं, कैसे क्या होता है? दूसरे महल्ले से लाते हैं। अच्छा, दूसरे महल्ले से लेके आते हैं? दूसरे महल्ले से लाते हैं पीने का पानी। पीने का पानी और परेशानी ये, ट्यूबवेल तैयार हो जाए तो आराम मिल जाए। ये पानी की समस्या हम लोगों की है, 4 महीने से ये ट्यूबवेल खराब हो गया है। 4 महीने से ये, जब हम लोग ने कम्प्लेन करी है जल निगम और नगर आयुक्त ये सब जगह बड़े बड़े जई से बात करी है, सभी लोगों से जब बात करी है तो ये पानी टैंकर आ रहा है, और अभी तक मेरी ये ट्यूबवेल सही होने की सुनवाई नहीं हो पाई है। ये कब सही होगा, ये कब लगेगा नया बोर होगा, ये अभी तक अभी कोई सुनवाई नहीं हो, कोई भी अभी तक ये कुछ भी नहीं हो पाया है। पानी की समस्या यहाँ पे लमसम ये 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना, ये 5वां महीना चल रहा है, समझे ना। हम लोगों ने हर जगह भाग दौड़ करी, ठीक है ना, हर एक अधिकारी से मिले, सिवाय आश्वासन के हमें कुछ नहीं मिला है। अब बस जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे टैंकर आता है, और जिससे आप देख सकते हैं सबसे पाइप लगते हैं, तो पानी पीने के लायक बचता भी नहीं है, ठीक है ना, समझे। तो हमारी बस यही है कि इसी तरह से इस ट्यूबवेल को सही किया जाए, जो 100 घर इतनी समय जहाँ पे पानी नहीं आ पा रहा है वहाँ पे पानी आए, क्योंकि इससे लोगों का जो डेली जिनका जीवन है, ठीक है ना, उस पर जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है, ठीक है ना, समझे। घर में कोई होता नहीं है, घर की औरतों को पानी भरना पड़ता है, बच्चों को पानी भरना पड़ता है, जो अपना स्कूल भी छोड़ देते हैं उस दौरान, समझे ना। और मेरी यही आग्रह है कि आपके चैनल से कि बस हमारी समस्या को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान दें।